बाबा रामदेव की पार्टी का नाम होगा कुछ, उसका कोई एजेंडा होगा, उसका कोई मैनिफेस्टो होगा। हाँ, मैनिफेस्टो हमने बता दिया, काले धन की अर्थव्यवस्था की समाप्ति, भ्रष्टाचार, बलात्कार और जो तमाम जो ये काले धन से काले काम पनप रहे उनकी समाप्ति अपने आप ही होगी, और भारत की समस्त व्यवस्थाओं का, जो एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा अपने जुडिशियरी सिस्टम है, सबका भारतीयकरण करना। तो ये हमारा एकदम ओपन एजेंडा है, एक पेज में देखना हो तो ये है, और 20 पेज में देखना हो तो ये, तो पूरा जो है बना लिया व्यवस्था, अरे एकदम पूरा व्यवस्था का परिवर्तन कर देंगे आप, तो ये पूरा का पूरा तैयार है एजेंडा, अब तो काम शुरू हो चुका है। और जो भ्रष्ट और बेईमान लोग हैं अब वो प्रोटेक्शन की मुद्रा में आ गए। पहले मुझसे लोग बोलते थे बाबा जो है आपने बहुत बड़ा पंगा बोल ले लिया है, जो है ये काम पूरा कैसे होगा, आपके ऊपर खतरा है, आपकी संस्था के ऊपर खतरा है। मैंने कहा मेरा खतरा देश के लोग अपने आप उसको संभालेंगे, मुझे संस्था पतंजलि पीठ देश के लोगों ने बनाई उसको वो संभालेंगे, आयुर्वेद जो रोगी है वो अपने आप संभालेंगे, मुझे देश के लिए जीना है और उसके लिए भी मुझे मरना भी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। आपके इतने मुख्यमंत्री भक्त हैं, सब आते हैं आपके शिविर में, जब आप अपनी पार्टी खड़ा कर देंगे तो कोई आएगा नहीं आपके पास, रोकने की कोशिश करेंगे आप, आपने पंगा खड़ा कर दिया ना, अच्छे मुख्यमंत्री आएंगे ना, अच्छे पार्टी से जुड़े हुए उनके खिलाफ तो आप लड़ेंगे चुनाव, ऐसा है अच्छे मुख्यमंत्री आएंगे, मैं अभी आपको नाम नहीं बोलूंगा, अपनी पार्टी में ले लेंगे आप, वो अपने आप ही जो भी सच्चा और अच्छा ईमानदार हो भारत स्वाभिमान से जुड़ जाएगा थोड़े दिनों के बाद में। ये इतनी बड़ी शक्ति खड़ी होने वाली है इसी साल, आप ये देखेंगे मई महीने से मैं एक एक जिले में जा रहा हूँ, तीन तीन पांच पांच लाख लोगों की सभाएं कर रहा हूँ, सुबह योग का क्लास होगी, सुबह योग नीति, शाम को राजनीति। राजनीति तो आप अपने राजनीति की तरफ, इसका कब्जा पहले आपकी दिल्ली पे नजर है या बाकी स्टेट असेंबली? मेरी तो नजर दिल पर है, मेरी नजर दिल पे है, लेकिन दिल्ली भी अब दिल वालों की होगी, जो दिल से देश से वतन से प्यार करते हैं उनकी होगी। तो रामदेव अब दिल्ली की, चलो सबको अपने भक्तों को दिल्ली की तरफ लेके आएंगे, पार्लियामेंट पे कब्जा करना है, स्टेट असेंबली में भी कब्जा करना है, पहला काम हमारा हमारा जो पहला लक्ष्य है वो केंद्र है, केंद्र ठीक होगा तो परिधि अपने आप ठीक हो जाएगी। और हमारा लक्ष्य, मैंने कहा राम की भूमिका वाला है, कृष्ण और भगत सिंह की भूमिका वाला है, राम ने भगवान राम ने माथे पे चढ़ गए थे, आप सबने चढ़ने वाले हैं, मैं तैयार हूँ उसके लिए, और वो बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं भगत सिंह, आप राष्ट्रद्रोही तो नहीं है? नहीं, इसलिए मैंने बोला ना, कुछ लोगों की दृष्टि में तो यही है ना कि बाबा उनकी राह का कांटा बना हुआ है, तो मैंने कहा भाई देखो अब मुझे मारोगे तो भी ये काम होना है, और मैं जिंदा रहूंगा तो भी ये काम होना है, तुम्हारी मर्जी है। तो राजनीति का रास्ता महात्मा गांधी वाला नहीं होगा आपका, भगत सिंह वाला होगा? भगत सिंह वाला होगा, राम जी वाला होगा, सिंहासन पर राम और हनुमान जी या जो है वो लक्ष्मण जी को नहीं बैठाया, विभीषण को बैठाया था, और कंस के बाद में उग्रसेन को बैठाया, अर्थात मुझे सत्ता नहीं पानी, लेकिन सत्ता पर उन लोगों को हमको बैठाना है जो इस देश को दुनिया का सरमौर बनाए, भारत को इकोनॉमिक पावर बनाए, क्योंकि कालाधन की अर्थव्यवस्था खत्म होती ही भारत की, मैंने कहा ना, अर्थव्यवस्था का आकार जो आज करीब 55 लाख करोड़ रुपए है वो 600 करीब 300 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, 350 लाख करोड़ रुपए, और जीडीपी हमारी जो है इतनी फास्ट ग्रोथ करेगी, हमारी विकास दर करीब 20 के करीब होगी, और 2020 तक मैं आज आपको कह रहा हूं चावला जी, दोबारा से 5 साल बाद हम मरने वाले हैं, मैं जल्दी मरने वाला नहीं हूं इतना जल्दी, तो 2020 तक भारत 2020 तक वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी पावर होगा, और उस समय पाकिस्तान तो हमारे सामने झुकेगा ही झुकेगा, अखंड भारत का जो सपना है वो भी पूरा होगा, सारे देश हमको कहेंगे कि हमको अपने साथ में ला लो, और अमेरिका भी हमारे सामने झुकेगा, एक बड़ा सपना है हमारा। आप कृष्ण का रोल करना चाहते हैं, अर्जुन ढूंढ लिया आपने, अर्जुन खड़े हो गए हैं तीर लेकर के, तीर लेकर खड़े, उनकी उनका उनको हमने अवसाद से बाहर निकाल दिया, पहले तो कहते थे गांडी वाम संस्कृति हस्तात, हमसे युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, बोले बाबा इन बेईमानों से पंगा कौन मोल ले, तो हमने कहा भाई ये पंगा अब लेना है, मैंने अपने आप को समुद्र में फीका, तुमको तो तालाब में ही तैरना है, क्यों हर पार्टी या तो जोड़ने के काम करती है या तोड़ने का काम करती है, आप उनमें से कौन सा काम करेंगे देखेंगे थोड़े दिनों के बाद।